वेलकम टू फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, यूपी टेट, दिल्ली पुलिस, SSC, UPSI वगैरह के लिए। तो इसके क्वेश्चन हम रेगुलर में आपको देता रहूँगा, तो आप सब लोग जो हैं इसको अच्छे से इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 1। सबसे पहला काम क्या करिए, जैसे ही मैं क्वेश्चंस आपको दूं तो आप उसको करने की कोशिश करिए, ठीक। आप क्वेश्चन वीडियो रोक लीजिए और उसके बाद इस सवाल को करने की कोशिश करिए, ठीक है। आइए, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, यदि उनके कुल अंक 185 हो। दो बातें हैं, पहली बात, विषम संख्या पहली एक्स, पहली क्या एक्स, दूसरी एक्स प्लस 2, क्योंकि विषम लिखने के लिए हम लोगों को पहली एक्स अगर है तो दूसरी एक्स प्लस 2, तीसरी एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 8। ये 5 क्रमागत विषम संख्या है मैंने यहां पे लिख दी, इनका योग 185 है। 1x, 2x, 3x, 4x, 5x जमा 8 और 6, 14, 4, 18 और 2, 20 बराबर किसके, 185 के। 5x 20 प्लस के दर्जा के किस चीज के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 5x बराबर 185 माइनस 20, 5x बराबर 165, x इज इक्वल टू 5 × 15 बच गया, 5 × 15। इसका मतलब पहला जो पद आया वो 33, दूसरा 35, तीसरा 37, ये 39 और ये 41। एक तरीका तो होता है सवाल को करने का ये। अगर इसी सवाल को हम थोड़ा सा समझ के करें, लॉजिक लगा के करें, क्योंकि क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उन सब का सम 185 है और संख्याएं कितनी है, 5। तो अगर मैं कहूं एवरेज निकालो 5 से डिवाइड करके, 5 × 15 और 5 × 7 = 35, इसका मतलब सबसे छोटा पद 35, 37 उससे छोटा पद 35 और सबसे छोटा पद 33, 39 और भैया 41, ये मेरे पद हो गए। इससे हम लोग आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। दो धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार हैं, धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दूसरी के दुगनी दुगनी संख्या का योग 8 और उनका अंतर 2। कहता है पहली संख्या और दूसरी की दुगनी दूसरी की दुगनी संख्या का योग 8, पहली एक्स और दूसरी वाई। कहता है पहली संख्या और दूसरी के दुगने का योग कितना है, 8। कहता उनका अंतर 2, x माइनस y बराबर किसके, ये मेरी दो इक्वेशन। मैं क्या करता हूं, दोनों समीकरणों को घटा देता हूं, यहां माइनस का चिन्ह लगाता है, ये प्लस का हो जाएगा और ये भैया माइनस का हो जाएगा, क्लियर। x से x कैंसिल, 2y प्लस के 1y प्लस का, तो कितने y हो गए, 3y बराबर 8 में से 2 गए 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। अब बेटे हम लोग इस y का मान यहां पुट कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 में, 2 में कर लो या 1 में कर लो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 2 दुणी 4 बराबर 8, x बराबर किसके, 4 के। तो एक संख्या 4, दूसरी कितनी, 2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को पहले सोल्व कर, सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग बच्चे अपने आप से कोशिश करें, उसके बाद वीडियो रोक रोक के सोल्व करें। नेक्स्ट वन 64 नंबर, कहता है किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, किसी लड़के को एक संख्या में 50 से गुणा करने को कहा गया, एक संख्या एक्स थी और उसमें कहा भैया 50 से गुणा कर दो, कितने से गुणा कर दो, 50 से गुणा कर दो।
लेकिन उसने इस संख्या में कर दिया 30 से गुण, अर्थात उत्तर कितना आ गया 50x, और उत्तर कितना आना था 50x, उत्तर आ गया 30x। इस प्रकार उत्तर प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम। सही उत्तर तो यह था और यह आया गलत उत्तर, तो 50x माइनस 30x बराबर किसके 400, 20x बराबर किसके 400, x बराबर 20, यानी कि वो संख्या कितनी थी 20 थी। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर 65। बेटे मैंने आपको कहा कि पहले इनको अपने आप से करें और फिर मेरे द्वारा किए गए सॉल्यूशन को आप देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। पहले अपने आप करो और अगर ना हो तो फिर मेरी मेरी वीडियो को देखें और उसके बाद हल करें। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभक्त करने के लिए कहा, एक संख्या थी कहा 6 से विभक्त कर दीजिए। मैं एक लाइन पढ़ता हूं उसी के हिसाब से सवाल करता हूं, आप पे भी एक कैटेगरी आनी चाहिए। और उसके भागफल में 12, अब भागफल यही तो होगा भाई, एक्स को 6 से भाग दे दिया, भागफल यही तो होगा, उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और फिर 6 से विभाजित कर दिया, यानी कि क्वेश्चन बननी तो थी ये और बन गई ये, क्लियर। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ, यानी कि जब क्या कहता है, तदनुसार उत्तर कितना प्राप्त हुआ 112, यानी कि इस वाली वैल्यू के बराबर कितना प्राप्त हुआ 112 प्राप्त हुआ। कहता सही उत्तर क्या होना चाहिए था, तो हम यहां से x का मान निकाल सकते हैं, लिखे x प्लस 12 बटे 6 बराबर किसके 112। डियर चाइल्ड 6, क्योंकि इसका मान ही तो 112 आया, 6 भाग में लिख रहा तो किसी में जाएगा गुणा, x जमा 12 बराबर 6 × 12, 6 × 6 = 712, 12 प्लस के 10 जाके किस चीज के हो जाएंगे माइनस के, x बराबर 0, 6, 660, यानी कि x का मान कितना था 660 था। अब ये सही क्वेश्चन थी तो मान को हम लोग इसमें पुट करेंगे, कैसे, x का मान आया 660 बटे 6 जमा 12, 6 × 6 = 6, 110 में 12 मगर जोड़ दूं, 2, 1 और 1, 2, 1, यानी कि सही उत्तर कितना होगा 122 होगा। नो डाउट बेटे, बार बार देख देख के आप क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन, नंबर क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योगफल 55, 3 संख्याओं में से पहली 2 का योगफल 55। आइए बड़े मन से फिर हम लोग करें, कहता है 3 में से पहली 2 का योग 55, 3 में से पहली 2 का योग 55, एक संख्या ए, एक बी और एक सी, कहता है इनमें से पहली 2 का योग 55 अर्थात ए जमा बी बराबर किसके 55 के, मैंने लिख दिया। दूसरी और तीसरी संख्या का योग 65, दूसरी बी और सी, बी और सी का योग किसके बराबर आया 65 के बराबर। कहता है पहली के 3 गुने तथा तीसरी संख्या का योगफल, पहली के 3 गुने तथा तीसरी संख्या का योगफल 110 है। मैंने 3 समीकरण बनाए, अब इसको बड़े सीधे से सपाट से शब्दों में हम लोग सोल्व करेंगे, एक ए और 3 ए 4 जमा, तीनों समीकरणों को उसमें जोड़ रहा हूं, एक बी 2 बी, एक सी 2 सी बराबर 5 और 5 = 10, 5 और 6 = 11, और 1 × 12 = 13, 1 और 1 = 2, क्लियर भाई, 5 और 5 = 10, 5 और 6 = 11 और 1 = 12, और 1 यहां से हासिल गया 230। अब देखो पूरी समीकरण को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 × 4 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 = 2, 2 = 2, 2 = 10। अब देखो बच्चे
बी जमा सी का मान कितना है 65, यानी कि मैं लिख सकता हूं 2a जमा 65 बराबर 115, 2a इज इक्वल टू 115 माइनस 65, 2a इज इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 11 में से 6 गए 5, 2a की वैल्यू होगी 50, a की वैल्यू होगी 25। किसी भी समीकरण में आप इसको रख लेंगे, वहीं से आपका मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर? ये आसान तरीका मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सीधे सवाल पढ़ना और सवाल को करना। क्लियर? अदरवाइज नेक्स्ट वन, सवाल नंबर नेक्स्ट। मेरे पास x गोलियां हैं और मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 गोलियां अधिक है। मेरे पास x गोलियां, मेरे बड़े भाई के पास x प्लस 3 गोलियां, लिख दिया सीधा। जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम गोलियां, x माइनस 3 गोलियां। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 हो, भैया यही तो गोलियां हैं सारी, और इन सब की संख्या कितनी है 15, इन सब की संख्या कितनी है 15, तो इन सब को मैं जोड़ दूं, 1x 1x 2x और 1 3x जमा, अब 3 प्लस के 3 माइनस के कैंसिल, बराबर किसके 15 के, x बराबर 5, मेरे पास 5 गोलियां, मेरे भाई के पास 5 और 3 8, मेरे भाई के पास 5 में से 3 गए 2। क्लियर? सिंपल। मेरे पास कितनी गोलियां हैं भैया, 5 गोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। बड़े मन से सुनिए, कहता है भैंस और बत्तख के एक समूह में, मैं कहता हूं भैंस एक्स है, भैंस कितनी है एक्स, और बत्तख कितनी है भैया वाई, भैंस एक्स है बत्तख कितनी है भैया वाई, कहा के सिरों की संख्या, समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं। नुगे इनसे पैर 24 अधिक हैं, तो आइए शुरुआत करता हूं फिर मैं। पैर कितने होंगे भैंस के, 4x और बत्तख के होंगे 2y। उसने कहा ये 24 ज्यादा है, ये कितने ज्यादा है 24 ज्यादा है इसके मुकाबले, तो मैंने कहा इसमें से 24 घटा दीजिए, दोनों बातें कैसी हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। कोई दिक्कत लगी हो इतनी बात को समझने में, कोई दिक्कत आई हो बताओ। चले आइए, 4x प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3x y प्लस का इधर जाके किस चीज का हो जाएगा माइनस का, प्लस y, या मैं इनको सबको एक ही साइड ले जाता हूं, माइनस के 4x और माइनस का वाई, माइनस के 3x, माइनस का वाई और माइनस के 24। अब अगर हम लोग कुछ सवाल में सोचा 68 नंबर में, ओके ठीक है, थोड़ा सा सवाल करने में यहाँ क्या आई प्रॉब्लम आई। ओके सवाल नंबर 68 कहता है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या पैरों की संख्या, हम लोग सिरों की संख्या, किसकी संख्या, सिरों की संख्या क्या कर लेते हैं x प्लस y, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बराबर 4x प्लस 2y, ये सिरों की संख्या, ये पैरों की संख्या। उसने कहा जो सिरों पैरों की संख्या है, जो किसकी संख्या है पैरों की, वह सिरों की संख्या के दुगने, सिरों की संख्या के दुगने से, नुकेय बात 24 ज्यादा है, तो मैंने कहा इसमें 24 जोड़ दो या इसमें से 24 घटा दो, दोनों बात कैसी हो जाएगी बराबर।
लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 4x प्लस 2y माइनस के 24। जो 4x प्लस के दर्जा किसी के हो जाएंगे माइनस के, माइनस के 2x, और ये 2y प्लस के दर्जा के माइनस के, माइनस के 24, माइनस से माइनस किया x बराबर 12। यानी कि जो भैंस है उसके सिरों की संख्या कितनी है 12 है। नेक्स्ट वन, सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे, घोड़े और आदमी, कुछ संख्या में घोड़े उतनी संख्या में आदमी, लिख लिया मैंने, आधे मालिक हो और अपने घोड़ों पर बैठे हो, आधे मालिक हो और अपने घोड़ों पर बैठे हो, यानी कि इनकी संख्या क्या आ जाएगी x बाय टू, और मालिक हो घोड़ों के ऊपर बैठ गए होंगे आधे, ठीक है बैठ जाने दो, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की कुल संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने, बड़े मन से सीखना था, आधे इनके ऊपर बैठ गए तो भैया इनकी टांग तो काउंट नहीं होने की, और घोड़ों का कितनी 4x और आदमियों का कितनी x बटे 2 गुणा 2, और इन सब की संख्या कितनी 70, 2 से 2 गए 5x बराबर 70, x बराबर 14, यानी कि घोड़ों की संख्या कितनी थी 14 थी। गुड आउट। नेक्स्ट सवाल नंबर 70। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए, एक ए छात्र एक बी, इसने x तो एक x प्लस 9 अंक प्राप्त किए, और उसने उन अंकों, उसके अंक उन दोनों के योग का 56% है, उसके अंक इन दोनों के योग का 56% इन दोनों के योग का यह बात 56% है, तो मैं कहता हूं 56 से गुणा कर दो और दोनों बात कैसी हो जाएगी बराबर हो जाएगी। आइए 2x जमा 9 इंटू 556 बाई 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। 100 भागना है गुणा में जाएंगे, 100x प्लस 900 बराबर 56 की गुणा, 56 दुने 112, एक्स जमा 9 छिक 54 का 4 का 9 पंजे 45 और 4 49। 100x प्लस के दर्जा किस चीज के हो जाएंगे माइनस के, 12x, 494 प्लस के दर्जा के किस चीज के हो जाएंगे माइनस के, माइनस के, यानी कि 494 में से मैं माइनस कर लेता हूँ, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 9 गया 0, 9, 8 में से 4 गए 4, x बराबर 12 थियो 36, इसने 33 अंक प्राप्त करे, इसने 33 और 9 42 अंक प्राप्त, इसने 33 अंक प्राप्त करे, इसने 42 अंक प्राप्त करे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कहता है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक दिए और गलत उत्तर के 2 अंक काट ले जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% हल किए हो, भैया उसने टोटल 75% हल किए, कितने हल किए 75, उसने एक्स ठीक किए होंगे और भैया 75 माइनस एक्स गलत किए होंगे, एक्स ठीक किए होंगे 75 माइनस एक्स क्या किए होंगे गलत किए होंगे। कोई डाउट नहीं।
उसने कहा ठीक, प्रश्न के चार अंक दिए जाते हैं तो भैया चार एक अंक मिले होंगे, और गलत के दो अंक काट लिए जाते हैं तो एक गलत में दो अंक दो तक गुणा कर ली, इन ठीक नंबर में तो घटेंगे और कितने अंक प्राप्त करे 150 अंक प्राप्त करे। 4x माइनस 75 दुनी 150 माइनस 2x, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है तो किस चीज का हो जाएगा प्लस, 4 और 2 6, माइनस के 150 इधर जाके किस चीज के हो जाएंगे प्लस के 300, x बराबर 50, यानी कि भैया इसने ठीक प्रश्न किए हैं 50 और गलत किए हैं 75 माइनस एक्स अर्थात 25। नेक्स्ट सवाल नंबर 72, 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल 47, गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, 71 और एक अज्ञात संख्या को जोड़कर, एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त कर ली जाती है, मैंने कहा था वाई प्राप्त कर ली जाती है, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। कहता तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणनफल, ओके हमको किसका मान निकालना एक्स, आइए उसने कहा कि यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो ये वाई आया इसको 7 से भाग देते ही 98 प्राप्त होता है, तो मैं क्या करता हूं वाई का मान ही निकाल लेता हूं, कैसे 7 8 56 और 7 9 63 5 63 5 68, 7 8 56 हासिल लगे 5, 7 9 63 5 68, यानी कि इन सब का मान इसके बराबर, 47 प्लस है दर्जा किस चीज के हो जाएंगे माइनस के, 71x बराबर 686 माइनस 47, 6 में से 16 में से 7 के 9, 7 में से 4 के 3, 6 बराबर 71x, x इज इक्वल टू 639/71। अभी वो कहता है कि जो ये x है ना किसका गुणज होगा, ऑप्शन भी दिए उसने, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की, तो 9 से अगर मैं इसको करूं तो ये कितने टाइम कट जाएगा 9 7 63, 9 1 9 9 7 63 अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9। अब उसने कहा जो क्यों आती है एक्स है ये किसका गुणज है, 3 का गुणज है कि नहीं, 3 3 9, उसने संख्या नहीं पूछी, उसने पूछा किसका गुणज है, तो ऑप्शन जो लिखे हैं 2 4 5 3, तो किसका गुणज आता है 3 का गुणज आता है। ध्यानपूर्वक तरीके से सवाल को समझेंगे, अपनी पेंसिल से करके जरूर देखें, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे और डिफरेंट थोड़ा टाइम लेंगे सोचने का और करवाएं, इनमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकता। आइए यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य न हो और उसे 6 से विभक्त कर दिया जाए तो शेष फल क्या होगा, देखो जैसा ही सवाल कहा, कहता है यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य न हो, भैया मैंने कहा पूर्ण वर्ग तो क्या आता है 9 16 25, तीन ही ऑप्शन दे रखे उसने, 6 से विभक्त कर दिया जाए तो यहां कितने बचेंगे 3 6 2 12, यहां बचेंगे 4 6 4 24, यहां कितने बचेंगे 1, सीधा सा सवाल 3 4 1, जिसमें भी रखा होगा वही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कहता 50 और 68 के बीच सभी अविभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, सॉरी 58 और 68, मैंने क्लास में भी समझाया कि 59 61 63 64 65 66 67 68 69, ये तीन संख्या आती, सॉरी ये तीन संख्या आती है 58 और 68 के बीच में जो क्या है अभाज्य है, इन तीनों को जोड़ करना है आप लोगों को, कर लेंगे। नेक्स्ट वन 75, कहता है 50 और 150 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभक्त होती है,
कहता है 50 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभक्त होती है। मेरे भाई इसको करने के दो तरीके, मेरे बच्चों कितने तरीके हैं? दो। एक तो हम तरीका लगाएं ओरली। ओरली से मतलब क्या? ओरली से मतलब ये होता है कि 150 को 7 से भाग दे दो। कितने से? 7 से। 7 × 14 10 7 × 7 तो हम बताएंगे 21। कितनी है? 21। 1 से लेकर 50 तक। लेकिन इसमें जुड़ कौन सी रही? 50 फालतू जुड़ रही है। तो आप क्या करो, 50 को फिर 7 से भाग दे तो 7 × 7 = 49। 21 में से 7 घटाए कितने बच गए? 14। तो इसका मतलब कितनी संख्याएं हैं? 14 संख्याएं। ये तो हम लोगों को लॉजिक लगाना। हमने क्या करा, 1 से 150 लोग की काटी, फिर 1 से लेकर 50 लोग की निकाली, इसमें तो हमने 1 से 150 वाले में 150 तक की घटा दी, तो कितनी बच गई? 14। भाई कहानी रूल क्या है? रूल ये होता है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर जमा। लेकिन यहां आपको पता होना चाहिए प्रथम अंतिम पद कौन सा जो 7 से डिवाइड होता है, यानी कि 150 के पास कौन सी संख्या जो 7 से कटती है। 7 × 14 बच गया 10, 7 × 7 बच गया कितने? 3 फालतू है, 3 घटा दो, अर्थात अंतिम पद की वैल्यू आएगी 147 माइनस प्रथम पद। 7 × 7 = 56 बटे अंतर 7 का 4 प्लस कितना? 1। 17 में से 6 गए, 7 में से 6 गया 1, 14 में से 5 गए 9 बटे 7 जमाए 13 जमाए अर्थात कितना? 14। तो संख्याएं कितनी होंगी? 14। इन रूल को कर करके देखते हैं तो याद होता है, जहां इनकी आवश्यकता होती है वहां फिर ये आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इनको करके देखना जरूरी होता है। निम्न में से कौन सी एक अविभाज्य संख्या है? देखो ये बड़ा क्रिटिकल काम है। ए ऑप्शन 7 3 1, बी ऑप्शन 2 2 7, सी ऑप्शन 3 4 7, डी ऑप्शन 4 6 1। देखो इसके लिए एक छोटा सा रूल है। छोटा सा क्या है? रूल। एक इसके लिए छोटा सा रूल लगाया। क्या रूल लगाया जरा ध्यान देंगे? रूल इसके लिए लगाया कि जो संख्या दी गई है, जैसे मेरे को पता करना है यह अभाज्य है कि नहीं, किस संख्या का स्क्वायर आता है। तो मैंने देखा 20 21 21 441 आता है, 22 22 484, 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं 19 17 13 11 7 5 3 2, अगर इनमें से किसी से विभक्त होती है तो यह संख्या भाज्य है, अदरवाइज क्या है? अभाज्य है। एग्जाम करके देखते हैं। 19 × 38 बच गया भैया 8, हो गए 81 19 से तो कटती रही। 17 × 34 6 1 6 1 12 और 121 17 6 102 17 7 119 13 13 39 बच गया भैया 6 1 7 हो गए 71 नहीं कट, 11 से भी नहीं कटती, 7 6 42 बच गए कितने भैया 4 हो गए 41 7 से भी नहीं कटती, 3 से भी 3 कटती, 2 से भी नहीं कटती। इसका मतलब यही संख्या क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। यही संख्या क्या हो गई भैया? अभाज्य संख्या हो गई। क्लियर? अभाज्य संख्या हो गई। और इसने पूछा अविभाज्य संख्या नहीं है, ओके यही बात थोड़ा समझना है, इसका मतलब ये तो अभाज्य होगी भैया। वो पूछ रहा है अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है इसका मतलब क्या है कि कटती हो भाज्य चाहिए हमको, 3 तो अभाज्य ही मिलेगी। ध्यान से मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, इसको हम लोग देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। अब तो सारी की सारी चेक करनी पड़ेगी हम लोगों को। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 26 की बात मान लेता हूँ, 27 का स्क्वायर 729,
27 से छोटी सारी अवाच्य संख्या है, 23, 19, 17 यही है। देखते हैं हम लोग, 17 दुनी 17 तीय 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, बच गए कितने भैया 5, 17 तीय 51, ये तो क्या होगी भाज्य होगी, और हमको भाज्य की जरूरत थी तो पहले पहली संख्या क्या आ गई भाज्य आ गई। तो इसमें हमने क्या देखा, हम ज्यादा से भागने चलाएंगे, इसके पास किसका वर्ग आता है, तो हमने देखा भैया 27 का 729 होता है, 729 होता है, 27 से छोटी है भाज्य संख्या, 23 है, 19 है, 17 है, इनसे अगर किसी से विभक्त होती है तो भाज्य है, अदरवाइज ये संख्या क्या होगी अभाज्य होगी। सवाल नंबर 77 कहता है 2401 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि योग 14 से पूर्णतः विभाजित हो। तो भैया 14 से भाग देना शुरू कर दो, 14 एकम 14, 0 1 14 सते 98, 2 1 14 एकम 14 7। भाई कहता क्या जोड़ा जाए, अगर क्या कहता क्या घटाया जाए तो सीधा 7 को घटा देता, लेकिन क्या कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो भैया तब इसका इस अंतर जोड़ा जाता है, 14 अगर 7 का अंतर कितना होता है 7, तो आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होती है, ए ऑप्शन 577717, बी ऑप्शन 57627, सी ऑप्शन 55162, डी ऑप्शन 56982। 99 से, तो 99 के अभाज्य टुकड़े, 99 के सह अभाज्य टुकड़े 11 9 99, जो संख्या 11 और 9 से विभक्त होती होगी वह संख्या 99 से विभक्त होने वाली है। तो 11 से 9 का रूल पहले फॉलो करेंगे, 9 का रूल आसान होता है, 7 1 8 5 8 7 15 और 7 22 5 27, 9 से तो कट गई, देखते 11 से भी कटती कि नहीं कटती है। 11 का रूल क्या होता है, सम स्थानों पर स्थित अंकों एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 और 11 का गुणज आता है। 7 7 14 5 19, 7 1 8 घटाया कितने बच गए 11, तो इसका मतलब यह संख्या ऐसी है जो 99 से क्या होने वाली है विभाजित होने वाली है। नेक्स्ट 89 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखो बेटे इस सवाल में हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 89 भी अभाज्य संख्या है, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा 5 अंकों की अभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ही है और 89 से विभक्त होने वाली, तो 89 की टेबल ही चलाएंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। 89 कम 89, 9 में से 9 गए 0 1 9, 89 कम 89 0, 10 में से 2 गए 8, फिर भैया यहां तक आ लिए 1 9 और काट दो, 9 कम 9 9 8 72, 0 10 में से 2 गए 8 9 729, कितने बचे भैया 80। क्या कहा उसने, कहा अब इसमें जोड़ तो हम सकते ही नहीं, हमको हर हालत में क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो ये जो शेष बचता है क्या बचता है शेष बचता है इसको हम लोग डायरेक्ट इसमें से घटा 80, 9 9 में 8 गया 1 9 9 9, तो ये एक ऐसी संख्या होगी जो इससे पूरी पूरी विभक्त होगी। मैं शायद कहीं दिक्कत आ गई, ऑप्शन ठीक नहीं आया, सॉरी देखते हैं, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, उतार ले ये वाला 9 0, 10 में से सॉरी ये यहाँ 10 में से 8 गए 2 0 9, ये वाला यहाँ चुका, अब ये वाला लेके आ रहे, तो 8 तीन बार तो चलेगी नहीं, 2 बार, 9 दुनी 18, 9 8 72 और 1 2 8 16 और 1 17, 9 में 8 गया 1, 10 में 7 गया 3, 9
अब हम लोग तीन बार चलाने की कोशिश करते हैं। नौ थी 27, तीन हम 27, तीन अठे 24 और दो 26, नौ में से सात गए दो, 11 में से छः गए पाँच, कितने 52 इसमें से माइनस कर देता हूँ। नौ में से दो गए सात, नौ में से पाँच गए चार, नौ नौ नौ, तो 999 47 वो एक संख्या ऐसी होगी। नेक्स्ट होगी सवाल नंबर 80। तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी से दुगनी और तीसरी से तीन गुनी है, ओके। एक ए संख्या, एक बी संख्या, एक सी संख्या। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और या तीसरी संख्या से तीन गुनी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं अगर 3x मान लू तो ये क्या हो जाएगी, 6 दुगुनी होगी, 3 गुनी 6, और तीसरी से तीन गुनी, इसको मैं 2x मान लू तो 3 गुनी 2, ये 6, 3 गुनी होगी। इन तीनों संख्याओं का औसत, औसत होता है दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। 6x जमा 3x जमा 2x बटे 3 बराबर 429। 6 3 9 2 11x बटे 3 बराबर 429, 11 3 33 बच गया भैया 7 और 2 9 11 9 99, x बराबर 327, 3 3 9 2 11 117, यानी के 117 × 234, तीसरी संख्या का मान तो आ गया 234। अब वो पूछता क्या मुझसे, भैया पहली और तीसरी संख्या के बीच कितना अंतर है, पहली और तीसरी के बीच, पहली और तीसरी के बीच 4 का अंतर है, कितने का अनुपात का अंतर है, 4 अनुपात का अंतर है, और एक अनुपात का अंतर कितना 117, तो कितने से गुणा कर दो 4 का, अर्थात 468 का अंतर है, कितने का अंतर है 468 का अंतर है। 81 नंबर क्वेश्चन, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इस प्रकार है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग जी अन्य दो संख्याओं के गुणनफल लो जी से 19 अधिक है, उनका यह बात 19 ज्यादा है, तो हमने कहा इसमें 19 जोड़ के दोनों बात कैसी कर लो, बराबर कर लो, आओ x की x में गुणा x स्क्वायर जमा x की एक में गुणा x एक में गुणा x बराबर x स्क्वायर जमा 4 जमा 2 दुनी 4x प्लस 19। एक मिनट थोड़ा सा, तीन सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्याओं के गुणनफल से 19 अधिक है, सर यह बात 19 ज्यादा थी तो इसमें से 19 माइनस करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस का धजा किस चीज का हो जाएगा माइनस, 4 प्लस के 19 के माइनस तो 15 बच गए, 4 प्लस के दर्जा का कई के हो जाएगा माइनस के 3x बच गए, माइनस से माइनस के x बराबर कितना आ गया 5, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी है 5, क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को बेटे आप लोग बार बार रिपीट करके देखें, जो मैं आपको कल और आज में करवाए, ठीक, अगर आप इनको रिपीट करेंगे तो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से लाइक करिए, शेयर जरूर करिए।